बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज हब के तमाम नाज़रीन को एक बार फिर खुश आमदीद कहा जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपने अब तक नॉलेज हब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉलेज हब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, इससे पहले वीडियो में हमने मुख्तलिफ हैवानात के बारे में अपने वीडियोज़ में तस्करा किया है। इससे पहले हमने शेर के बारे में अपनी पिछली वीडियो में तस्करा किया था कि शेर किस तरह का जानवर होता है। इस वीडियो में हम दूसरे जानवर के बारे में तस्करा करेंगे। शेर की तरह एक और दरिंदा सिफत जानवर होता है जिसकी हैबत और खौफ जो है वो जंगलात में हैवानात में पाई जाती है। इसकी खासियत तकरीबन शेर की तरह की भी होती है जिसे भेड़िया कहा जाता है। आज़ीन, भेड़िया भी एक मशहूर दरिंदा है। इसकी खासियत है कि ये भी भूखा रहकर सब्र करता है जिस तरीके से शेर सब्र करता है। और इसके पेट की एक खासियत ये भी है कि इसके पेट में अगर हड्डी भी चली जाए तो वो भी घुल यानी पिघल जाती है, लेकिन एक चीज़ है जो इसके पेट में अगर चले जाए तो वो नहीं घुलती, वो है खजूर की गुठलियाँ। अगर ये खजूर की गुठली खा ले तो वो इसके पेट में नहीं घुलती। राजन, ये भी शेर की तरह जानवरों का शिकार करता है और पेट भरकर खाने के बाद जो बचा हुआ खाना होता है उसे उसी तरीके से छोड़ देता है। और इसमें जो एक अजीब बात कहलाती है वो ये कहलाती है कि ये एक आँख से सोता है। जैसे आम जानवर दोनों आँख बंद करके सोते हैं, इंसान दोनों आँख बंद करके सोते हैं, लेकिन ये एक आँख से सोता है और एक आँख खुली रखता है। गोया इसका मकसद ये होता है कि ये एक आँख से अपनी हिफाजत कर रहा होता है और या चौकीदारी कर रहा होता है। जब ये अपनी एक आँख से सो चुका होता है और एक आँख में तकलीफ या थकन हो जाती है तो ये जो खुली हुई आँख होती है उसे बंद कर लेता है और जो बंद आँख होती है उसे खोल कर दोबारा अपनी नींद पूरी करता है। तो नाज़रीन, ये भेड़िया जो है इसकी एक खासियत जिससे ये शिकार बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेता है वो ये है कि इससे शिकार की जो बू है वो कमोबेश 3 मील के फासले से आ जाती है। यानी अगर इसका शिकार 3 मील के दूरी पर हो तो उसे इसकी बू आ जाती है। और अगर ये भूखा हो और इससे कोई शिकार ना मिले तो भेड़ी की खासियत होती है कि वो शोर करता है। शोर करने से मुराद ये अपने साथियों को बुलाता है। तो जो भी इनका झुंड होता है या इनका ग्रोह होता है या इनका ग्रुप होता है वो इसकी आवाज़ सुनकर इसके पास आ जाते हैं। और फिर अगर इनमें से कोई भेड़िया झुंड छोड़कर जाता है तो बाकी तमाम भेड़िए इस पर टूट पड़ते हैं और इसे खा जाते हैं। और जब इसका मुकाबला इंसान से हो जाए, यानी किसी इंसान से अगर भेड़िए का मुकाबला हो जाए तो ये इमदाद के लिए चीखता है, जिसे सुनकर दूसरे भेड़िए भी इसके पास आ जाते हैं और सारे मिलकर इंसान पर हमला कर देते हैं। अगर इंसान इनसे बचना चाहे तो इंसान एक आसान हल है इसका जिससे इंसान बच सकता है, वो ये कि इंसान किसी एक भेड़िए को ज़ख्मी कर दे। उस ग्रुप के अगर ये इंसान किसी एक भेड़िए को ज़ख्मी कर देता है तो तमाम भेड़िए उस ज़ख्मी भेड़िए पर टूट पड़ते हैं और उसे खा जाते हैं और इंसान की तरफ से उसकी तवज्जो, उन तमाम भेड़ियों की तवज्जो हट जाती है। भेड़िए की ये खसलत कि वो अपने ही ग्रुप के लोगों को या खुद भेड़िए को ही खा जाता है, इससे दूसरे भेड़िए हमेशा एक दूसरे से खौफजदा भी रहते हैं। और अगर वो ज़ख्मी हो जाए या बीमार हो जाए या लागर हो जाए तो ऐसी सूरत में वो अपने ग्रुप से आगे पीछे हो जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं ताकि कोई दूसरा भेड़िया उन्हें खा ना जाए। और वह जब तक सेहतयाब नहीं होते वो दोबारा अपने ग्रुप के दरमियान नहीं जाते। तो नाज़रीन, भेड़िए जो शिकार करते हैं उसमें ये जो बकरियों का शिकार रेवड़ की सूरत में होता है उसकी हिफाजत के लिए एक कुत्ता रखा जाता है। तो ये किसी एक तरफ से जाकर आवाज़ निकालते हैं और फौरन दूसरी तरफ चले जाते हैं और ताकि कुत्ता उसकी आवाज़ सुन के उस तरफ चला जाए और ये बकरियों का शिकार कर लें। दूसरी बात जो कि नहायत ही अजीब बात है कि वो ये है कि भेड़िए की मौत देखें कि अगर ये प्यास के पत्तों पर से गुजर जाए, यानी अगर इसका गुजर प्यास के पत्तों पर से हो जाए तो ये फौरन मर जाता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। भेड़िए के बारे में मालूमात आपके पास पेश की गई हैं। मज़ीद इसी तरह की
वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।